सांगढ़ में शहरियों का पीने के पानी के लिए बल्दिया का मेन गेट बंद करके एहतजाज। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। सांगढ़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत, शहरियों की जानिब से बल्दिया ऑफिस के मेन गेट के सामने एहतजाज किया गया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि 24 घंटों में इनके इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी न बनाया गया तो कल बल्दिया का मेन गेट बंद करके शदीद एहतजाज किया जाएगा। वाला हो मुख्तलिफ इलाके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 महीने मुसलसल कई ऑफिसरों से मिल चुके हैं, वो हमें बहाना देकर चले जाते हैं कि हाँ जी आज पानी आ जाएगा, 5 मिनट में जाएँ, 5-10 मिनट में। लेकिन गुज़श्ता 6 महीने हो गए हमें पानी नहीं मिला, पूरा रमज़ान इसमें गुजर गया, मस्जिद मोहल्ले में मस्जिदें भी हैं, मस्जिदों में भी पानी नहीं आता। तो मेहरबानी करके आज हमने अलामती रखा, कल 11 बजे का हमने टाइम रखा है कि जिस जिसके पास पानी नहीं आ रहा है वो 11 बजे यहाँ पर बल्दिया में जमा हो और भरपूर तरीके से एहतजाज करें। ये नाहिल बल्दिया है, मौसम शाह वाली गली में कई कई दिन पानी नहीं आता, अगर आता तो सिर्फ सिंधी स्कूल तक आगे नहीं पहुंचता। पानी नहीं आ रहा, सिद्धू साहब के पास काफ़ी बार आए, कुछ दिन पहले सिद्धू साहब हमारे पास आए, बोला कुछ दिन में आपको पानी दे देंगे, मगर पानी हमारे हाथ से बंद किया हुआ है। मॉडल टाउन में 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, 6-7 महीने से पानी नहीं मिला। और हम जिस माल में तो कहते हैं वो कहता है जी मोटरें नहीं हैं, मोटरें भी हैं, चेयरमैन के पास आते हैं तो चेयरमैन साहब वालमैन को बुलाता है, वालमैन को कहता है क्यों नहीं पानी दे रहे, तो वालमैन कहता नहीं है पानी। ऐसे लगता है कि चेयरमैन जो है वो वालमैन है। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।